आज की इस लेक्चर में हम जिस अप्रोच को स्टडी करने जा रहे हैं, जिसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है पार्टिसिपेटरी अप्रोच टू कम्युनिटी डेवलपमेंट। पार्टिसिपेटरी अप्रोच टू कम्युनिटी डेवलपमेंट इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट अप्रोच बिकॉज इन दिस अप्रोच द लोकल पीपल आर इनकरेज एंड मोटिवेटेड टू यूज देर रिसोर्सेज फॉर द इम्प्रूवमेंट और डेवेलपमेंट ऑफ देयर कम्युनिटी यहां पर Uh, लोगों को इंकरेज किया जाता है कम्युनिटी के लोगों को जिस तरह हम पहले भी हर लेक्चर में ये बात करते हुए आ रहे हैं कि हम कम्युनिटी के लोगों को इस्तेमाल करते हैं कम्युनिटी के लोगों को मोटिवेट करते हैं कम्युनिटी के लोगों को एनकरेज करते हैं कि वो अपने वसायल को जो कम्युनिटी में मौजूद ऑलरेडी रिसोर्सेज हैं वो चाहे फिजिकल रिसोर्स हों या वो ह्यूमन रिसोर्सेज हों उनको इस्तेमाल करते हुए अपनी लाइफ की बेटरमेंट के लिए अपनी कम्युनिटी की बेटरमेंट के लिए काम कर सकें दीज पीपल आर गाइडेड बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कम्युनिटी थ्रू वेरियस प्रोग्राम्स वर्किंग इंटरनली और ये ये जो लोग आप सिलेक्ट करते हैं इन प्रोग्राम्स के लिए इनको पहले से मौजूद जो लोग हैं जो इन ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं उनको गाइड करते हैं फॉर एग्जाम्पल आपके इलाके का आप जिस कम्युनिटी में काम करने जा रहे हैं उस कम्युनिटी का काउंसलर जो है जो ऑलरेडी ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है या ऐसे बहुत से मुख्यर हजरात जो अपनी मदद आपके तहत आपके इलाके में काम कर रहे हैं उनको गाइड करते हैं कि रिसोर्सेस कैसे इकट्ठे करने हैं उनको पूल अप कैसे करना है उनका इस्तेमाल कैसे करना है दिस अप्रोच कैन बी यूज इन आइडेंटिफाइंग नीड्स प्लानिंग मॉनिटरिंग और अवेल्यूटिंग प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम इस इस शो अप्रोच को जो है हम ना सिर्फ नीड असैसमेंट के लिए यूज करते हैं बल्कि प्लानिंग एग्जीक्यूटिंग एंड एवेल्यूएशन के लिए भी यूज करते हैं दिस अप्रोच हैज बिन यूज ट्रेडिशनली विद रूरल कम्युनिटीज इन द डेवलपिंग वर्ल्ड देर इट हैज बीन फाउंड एक्सट्रीमली इफेक्टिव इन टेपिंग इन टू द यूनिकस्पेक्टिव ऑफ रूरल पुअर Helping to unlock their ideas not only on the nature and causes of the issues that affect them but but also on realistic solution. रूरल कम्युनिटी में जब रूरल डेवलपमेंट का आगाज किया गया तो ये पता चला कि जब आप वहां के लोगों को इस्तेमाल करते हैं तो वो अपने यूनिक आइडियाज देते हैं मैं हमेशा इस बात पे आपको बताती हूँ कि जहां जिस कम्युनिटी में आप आ, काम करने जा रहे हैं वहां के लोग अपने प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन को बेहतर जानते हैं सिर्फ उनको रास्ता दिखाने की जरूरत है तो आपने लोकल कम्युनिटी के लोगों को आ, वहां पर प्रोग्राम की प्लानिंग में इस्तेमाल करना है क्योंकि उनके पास अपने प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए अपनी कम्युनिटी के सोल्यूशन के लिए बेहतर आइडियाज होंगे आपने सिर्फ उनके आइडियाज को शेप अप करना है इट एनेबल्स लोकल पीपल टू शेयर दियर परसेप्शन एंड आइडेंटिफाई आपने सिर्फ उन्हें ये रास्ता दिखाना है कि उन्हें अपने प्रॉब्लम्स को प्रायोरिटाइज करना है कि कौन से प्रॉब्लम को उन्होंने पहले सोल्व करना है और कौन से प्रॉब्लम को दूसरी नंबर पर सोल्व करना है कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उनको कितने रिसोर्सेज और कहां से इस्तेमाल करने हैं यानी आपने सिर्फ उनके आइडियाज को उनके ख्याल को उनके जो सॉल्यूशंस हैं उनको शेप अप करना है उनको रास्ता दिखाना है आप जब कम्युनिटी के लोगों से किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के बारे में डिस्कशंस करते हैं मीटिंग करते हैं तो आपको ये देखकर हैरानगी होगी सुनकर हैरानगी होगी कि उन लोगों के पास अपने प्रॉब्लम्स के लिए पहले से बहुत अच्छे आइडियाज मौजूद हैं लेकिन जरूरत सिर्फ इस बात की है कि आपने उनको चैनलाइज करना है उनको प्रायोरिटाइज करना है उन्हें बताना है कि आपने लोकल कंडीशन को लोकल रिसोर्सेस को इस्तेमाल करते हुए कैसे अपने प्रॉब्लम्स को बेहतर अंदाज में हल करना है इन डिफरेंट कंट्रीज पार्टिसिपेटरी लर्निंग अप्रोच आर इंक्रीजिंगली यूज इन द रेंज ऑफ कम्युनिटी बेस्ड पॉवर्टी रिडक्शन एंड रीजनरेशन प्रोजेक्ट वेयर एवर टू अचीव पार्टिसिपेशन ऑफ कम्युनिटी इज प्रोरिटाइज बाई यूटिलाईजिंग विजुअल मैथड्स एनालिटिकल टूल पी एल जिसको हम पार्टिसिपेटरी लर्निंग अप्रोच भी कहते हैं टू पार्टिसिपेट रिगार्डलेस ऑफ देर age एथनिसिटी और लिटरेसी कैपेबिलिटीज हमें कम्युनिटी के तमाम लोगों को इस अमल में शामिल करना है रिगार्डलेस के उनका रिलीजन क्या है रिगार्डलेस के उनकी एज क्या है उनकी आ, उनकी जो एजुकेशनल लेवल है वो क्या है आपको चाहिए कि तमाम लोगों को उनमें पार्टिसिपेट करने के लिए एनकरेज करें और मोटिवेट करें क्योंकि हमने लास्ट क्लास में भी इस चीज को डिस्कस किया था कि जब आप तमाम लोगों को एनकरेज करते हैं तो उनमें सेंस ऑफ ओनरशिप आती है उस प्रोजेक्ट के फ्लॉप होने का चांस बहुत कम हो जाता है वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ पार्टिसिपेटरी अप्रोच इन प्लानिंग इज अ साइन ऑफ हेल्दी कम्युनिटी यानी आप प्लानिंग में वहां के लोगों को शामिल कर रहे हैं तो ये एक हेल्दी सिचुएशन है एक हेल्दी बात है की वो लोग अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने की प्लानिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ पार्टिसिपेटरी अप्रोच वी कैन क्रिएट सेंस ऑफ ओनरशिप इन द कम्युनिटी पीपल पहले भी अभी थोड़ी देर पहले हम इस चीज के बारे में बात की है कि जब भी हम लोगों को लोकल पीपल को वहां पे पार्टिसिपेट कराते हैं तो सेंस ऑफ ओनरशिप पैदा होती है सेंस ऑफ ओनरशिप का मतलब ये है कि आप उस चीज को ओन करते हैं आप उसकी सक्सेस के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं ताकि ये अप्रोच जो है ये जो प्रोजेक्ट है ये सक्सेसफुल रहे और फिर आप उसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए भी काम करते हैं कम्युनिटी डेवलप कम्युनिटी पीपल कैन कॉन्ट्रीब्यूट विद क्रिएटिव आइडियाज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ देयर कम्युनिटी और कम्युनिटी के जो लोग हैं वो अपने क्रिएटिव और नए नए आइडियाज लेके आते हैं कि इस प्रोजेक्ट को हम कैसे लॉन्च कर सकते हैं कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं इसके रास्ते में जो प्रॉब्लम्स आएंगी उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं सो डिवीजन ऑफ लेबर की भी यहाँ पे बात है यानी हमने भी बात की कि हमें हम रिगार्डलेस के उनकी क्या लिटरेसी रेट है उनको प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन में शामिल करना चाहिए तो उनकी एजुकेशनल लेवल के मुताबिक उनकी एज के मुताबिक उनके अंदर जो है काम को डिवाइड कर देना चाहिए इससे डुप्लीकेशन भी बचेगी इससे रिसोर्सेज भी बचेंगे और आपकी कम्युनिटी बेहतर तौर पर तरक्की कर सकेगी और वो आपकी लाइफ में कम्फर्ट आएगा सो पार्टिसिपेटरी अप्रोच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन कम्युनिटी डेवलपमेंट